ऐसा नहीं है कि उसके बेसिस पे ही आपका क्लियर हो रहा है अगर आप बाद में मेहनत मतलब आपको मेहनत करनी है, या तो आप पहले कर चुके हो कॉलेज लेवल पे या फिर आपको अब करनी पड़ेगी बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी बस इतना ही है आप पहले कर लो या बाद में कर लो दैट्स इज योर चॉइस हेलो एवरीवन वेलकम टू कैमोमाइल टीवी टॉपर्स एन इनिशिएटिव बाय अन एकेडमी माई सेल्फ तलवीर सिंह एन टी यू जी नेट टॉप एजुकेटर एट अन अकेडमी हर साल यूजीसी नेट एग्ज़ाम 10 लाख से ज़्यादा बच्चों के द्वारा दिया जाता है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कोई भी स्टूडेंट जब इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के बारे में सोचता है तो उसका पहला टारगेट यही होता है कि, कि किसी तरीके से उसका ये एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए सोचिए अगर आपका ऑल इंडिया रैंक वन आ जाए तो आपको कैसा महसूस होगा कुछ ऐसे ही टॉपर हमारे साथ हैं आज जिनका ऑल इंडिया रैंक वन आया है तो चलिए बात करते हैं हमारे टॉपर के साथ ज्योति पूनिया जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक वन हासिल किया है एन टी यूजीसी नेट कैटेगरी सो ज्योति स्वागत है आपका Thank हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करने से पहले यह पूछना चाहूंगा कि ऑल इंडिया रैंक वन मतलब पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक Yeah. कैसी वो फीलिंग थी जब आपने अपना रिजल्ट देखा आई कैंट एक्सप्रेस इन वर्ड्स दैट फीलिंग लाइक आई एम ऑन द लाइक आई एम ऑन द नेक्स्ट लेवल सो यू कैन टेक एन लाइक

दैन uh, मैंने ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था लाइक आई हैव क्लियर दट नेट एग्ज़ाम थ्री टाइम्स एंड अलॉन्ग विद जे आर एफ विद रैंक वन तो टीचिंग uh, में आने के बारे में कैसे सोचा या कोई फैमिली से है या फिर कहाँ से मोटिवेशन मिला टीचिंग के लिए लाइक like, uh, uh, कह सकती हूँ कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड थी लाइक आई लैक टू एक्सप्रेस माई सेल्फ सो टीचिंग से अच्छा प्रोफेशन मुझे लगा नहीं कि जिसमें मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ ओके okay. हाँ जी तो so, मतलब टीचिंग के बारे में बात करें तो टीचिंग भी हम दो तरीके की करते हैं या तो आप बी एड करके स्कूल में पढ़ा सकते हो या फिर आप यू जी सी नेट जी आर एफ के बाद कॉलेज में पढ़ा सकते हो तो कॉलेज को ही क्यों सिलेक्ट किया आपको क्या लगा कि बी एड करके स्कूल में क्यों नहीं चले गए बी uh, एड मैंने जस्ट कर लिया था कि हाँ साथ में कुछ कर रहे हैं लाइक like, बट मैं आई डोंट थिंक कि मैं स्कूल uh, लेवल पे हैंडल कर सकती हूँ लाइक like, सबका अपना होता है कि आप कॉलेज uh, लेवल पे कंफर्टेबल हो या फिर यू कैन like you are comfortable with the like school school level school पे? level right तो आपको लगता है कि आप college level yes, पे yes. ज़्यादा comfortable yes, हो yes, तो yes, उस yes. वजह से है तो शुरू से बताइए जैसे आपने बताया कि आपने पहले भी मतलब मल्टीपल टाइम है वो अपना नेट है क्लियर किया और उसके बाद जे और वो भी ऑल इंडिया रैंक वन तो शुरुआत बताइए कहाँ से आपको यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में पता चला सर uh, 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 जैसे मेरी ग्रेजुएशन हुई तो जैसे सब करते हैं मैंने बैंकिंग uh, का ट्राई किया था तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट नहीं तो था तो वो मेरा क्लियर हो भी नहीं पाया तो था माइंड में कि मुझे टीचिंग में जाना है तो फिर मैंने जनवरी 19 में ट्वेंटी में देन एन टी ए चेंज सिलेबस लाइक सिलेबस जब चेंज हुआ था तब मैंने आ, लाइक like, ख़ुद से ही अपना सर्च करके निकाला था कि क्या सिलेबस चेंज हुआ है एंड मैंने वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और जून 19 में, में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड वो मेरा क्लियर हो गया था ओके विद सेल्फ स्टडी यस तो उसके बाद फिर मैंने जे uh, आर के लिए मुझे अटैम्प्ट करना था क्योंकि मेरा टारगेट वही था जून वाला मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा नेट क्लियर हो जाएगा बट वो हो गया कि कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉग है तो वो हो हो जाता है तो देन मैंने दिसंबर का टारगेट किया था जे और उसके लिए मैंने क्लासेस भी ज्वाइन की थी देन उसमें मेरा सिक्स मार्क्स से मेरा जे रह गया था okay. तो दैट पिंच मी अलॉट आपको लगा कि ऑल इंडिया रैंक नहीं रैंक मैंने नहीं सोचा था बट okay. हाँ मैंने कहीं ना कहीं टारगेट किया था कि अभी आ, अच्छे मार्क्स से ही क्लियर करना है जी आ, आप तो करना ही है विद गुड मार्क्स अच्छा मतलब इतने गुड आ गए कि बस सोचा <laughs> भी नहीं था कि पूरे इंडिया में से फर्स्ट रैंक है वो आ जाएगा हाँ <laughs> जी वो नहीं सोचा था चलिए तो आ, थोड़ा सा मैं पैटर्न के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि आप बताइए कि स्टूडेंट्स जैसे जो न्यू स्टूडेंट्स हम प्रिपेयर करेंगे आपकी स्ट्रैटेजी से पहले अगर आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू देंगे सिलेबस से रिलेटेड की पेपर वन और पेपर टू का स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने से पहले ताकि एक थोड़ा सा क्लियर आइडिया रहे कि किस तरीके की ये एग्जाम है वो होने वाला है ओके पेपर वन एंड टू लाइक पेपर वन तो हमारा सबका सेम ही होता है तो फिर आपको दोनों को ही टारगेट आई थिंक सेम लेके चलना पड़ेगा लाइक like, आई uh, मैंने अपनी मिस्टेक से बहुत कुछ सीखा है लाइक like, मैंने फर्स्ट uh, uh, मेरा अटैम्प्ट था जस्ट कि मुझे पेपर दे के देखना है कि क्या हो रहा है मैंने जिस उसमें टारगेट किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइक कॉन्सेप्ट मेरे कुछ थे ठीक मैंने जस्ट ओवरव्यू लिया था गो थ्रू द सिलेबस एंड दैट्स इट और मैंने फिर पी वाई क्यूज बहुत अटैम्प्टे थे लाइक like 2012 से लेकर मैंने 18 तक के पी वाई क्यू मैंने अटैम्प्ट करे थे एंड उनका एनालाइज मैंने बहुत अच्छे से किया था तो उसके बेसिस पे ही मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो निकल गया था क्योंकि मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हमारे कौन से हैं ओके okay. हाँ जी तो uh... आपने डिस्कस किया आपने बताया कि आपने मतलब एक एनालिसिस किया उस एग्जाम को लेके कि मुझे इस तरीके की स्ट्रेटजी है वो आ, होनी चाहिए कि मुझे इस तरीके से मतलब आगे बढ़ना है आपने एक पॉइंट बोला कि बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने ज़रूरी हैं मतलब जितना अगर हम एन टी नेट के एग्जाम के बारे में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आपके बेसिक्स हैं वो स्ट्रांग हो तो आपको क्या लगता है कि जब हम यू और पी में होते हैं तो वहां पर जो हम पढ़ाई करते हैं क्या वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे इस एग्जाम के लिए या आपको लगता है कि नहीं वहां पे हमने अगर, अगर अच्छे से नहीं भी पढ़ा तो भी हम थोड़ी बहुत पढ़ाई करके इस एग्जाम को क्लियर कर देंगे नहीं इम्पोर्टेंट uh, है वो भी बट ऐसा नहीं है कि उसके बेसिस पे ही आपका क्लियर हो रहा है अगर आप बाद में मेहनत मतलब आपको मेहनत करनी है या तो आप पहले कर चुके हो कॉलेज लेवल पे या फिर आपको अब करनी पड़ेगी बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी बस इतना ही है आप पहले कर लो या बाद में कर लो दैट्स इज योर चॉइस कि ये ज्योति ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि अल्टीमेटली आपको जो एफर्ट्स हैं वो बहुत सारे डालने ही पड़ेंगे क्योंकि अगर ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है तो उसके लिए उतनी मेहनत है वो आपको करनी ही पड़ेगी फिर वो चाहे आप अपने यूजी और पीजी के दौरान कर लीजिए चाहे फिर वो आप अपना जब आप इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो उस टाइम पर आप कर लीजिए तो ज्योति पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी प्रपेशन स्ट्रैटेजी के बारे में आपने कैसे शुरुआत की कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया और किस तरीके से आपने मतलब इस जर्नी को शुरू किया जी मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट के लिए मैंने पी के लिए बुक लिया था okay. क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आई डोंट वांट टू जॉइन तो मैंने सेल्फ स्टडी से तो फर्स्ट अटैम्प्ट मुझे बस देख के देखना था कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ ये बस उसके लिए था तो मैंने बुक्स ली थी गाइड बुक्स ली थी मैंने रेफ़र करी थी और एक पी वाई क्यू बस और एक मैंने पेपर वन के लिए मैंने गाइड बुक जो भी मार्केट में नॉर्मल ऐसा नहीं कि मैंने कोई लाइक कोई ज्यादा ही हाई फाई बुक ली थी मुझे जो अवेलेबल था मैंने वो लिया ओके okay. और मुझे मैंने उसे सिर्फ मल्टीपल टाइम्स रीड किया बस ओके okay. क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट मेरे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे बस मैंने उनका मल्टीपल किया मतलब जितना मैं उनको रिवाइज कर सकती थी मैंने किया ओके okay, उसके बाद फिर जब आपको इंडिया रैंक वन आया आपने मतलब उस नो no डाउट आपकी वो बहुत सारी नॉलेज है वो आपकी काम आई होगी बट वो एक प्रॉपर जैसे बोलते हैं ना कि एक सही डायरेक्शन और एक सही गाइडेंस है जब उसका मैच होता है तब आपका वो एग्जाम है क्लियर होता है तो आप उस पर्टिकुलर अटैम्प्ट के बारे में बताइए जब आपको ऑल इंडिया रैंक वन आया ओके okay, उस अटैम्प्ट के लिए मैंने लाइक like, मैं ऑलरेडी जो मेरे पास रिसोर्सेज थे मार्केट में अवेलेबल ऑफलाइन तो मैं वो यूज़ कर चुकी थी लाइक like, बुक्स जो मैंने अभी बात किया तो उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे मुझे अन अकेडमी के बारे में पता लगा आई एम नॉट परस मैंने इसे फॉलो किया है तो मैं आई वॉज जस्ट टेलिंग हाँ यस यस बहुत हेल्प किया क्योंकि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है उसके लाइक आपके पास अगर अन अकेडमी है तो आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं तो मतलब एक ही प्लेस पर आपको हंड्रेड परसेंट मिल रहा है तो फिर कहीं और आई डोंट थिंक के जाने की जरूरत है ओके मैं चार साल से पढ़ा रहा हूँ मेरे कोर्सेज में मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है बल्कि ये भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है और एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है मैं हर लेसन आपको सामने रख के बनाता हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और निमोनिक्स के जरिए आई मेक श्योर कि आपको हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाए मेरी गाइडेंस में हज़ारों स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये एग्जाम क्लियर करें मैं हूं तलवीर सिंह मैं पढ़ाता हूं पेपर वन कॉमर्स और मैनेजमेंट फॉर एन टी नेट मेरी लाइव क्लासेस देखने के लिए अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करें सो so, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर के बारे में जैसे आपने बताया कि फर्स्ट पेपर है वो सभी का कॉमन रहता है तो आपकी फर्स्ट पेपर के बारे में स्ट्रैटेजी है वो क्या रही थी क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो यही बोलते हैं कि जो फर्स्ट पेपर है ना वो थोड़ा लाइक यहाँ तो बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर ही कर देते हैं यहाँ yes, क्योंकि एक्चुअली yes, yes. वो बिल्कुल सिलेबस से आपका आउट ऑफ कंटेक्स्ट होता है हाँ या फिर मतलब बच्चों के उतने मार्क्स नहीं आ पाते आपने बताया कि आपके 80 प्लस मार्क्स आए हैं फर्स्ट पेपर में 84 तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है स्पेसिफिकली पेपर वन के बारे में यस फर्स्ट पेपर में मैंने लाइक like, अपनी मिस्टेक से ही बहुत कुछ सीखा है लाइक like, मैंने जो मेरे लास्ट अटैम्प्ट में जो मिस्टेक की है कि वो मैं बस ये कहा मेक श्योर कि मैं वो मिस्टेक जो है मेरी रिपीट ना करूँ तो मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट uh, में मैंने पेपर वन ठीक पड़ा था क्योंकि मैं कुछ भी उसके बारे में मुझे नहीं पता था देन सेकेंड अटैम्प्ट जो था मेरा दिसंबर 2019 का उसमें मैंने फर्स्ट पेपर को इग्नोर किया तो उसके लिए उससे मेरा फिर जे भी रह गया था उस टाइम पे देन उसके बाद फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि पेपर वन को नहीं छोड़ना है अगर आपको जे चाहिए तो पेपर वन इज़ द की फॉर द जे देखिए ये इन्होंने काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया है जो भी न्यू एस्पायरेंट हैं एन टी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको माइंड में हमेशा ये रखना चाहिए कि आप सिर्फ़ पेपर वन पढ़ के या सिर्फ पेपर टू पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते आपको दोनों एग्ज़ाम को प्रॉपर वेटेज देना पड़ेगा आपको दोनों एग्ज़ाम के लिए है वो अपना हंड्रेड परसेंट एफ़र्ट्स हैं वो देने पड़ेंगे नहीं तो हो सकता है कि आप एक पेपर को इग्नोर करो और उसके लिए आपको पे करना पड़ सकता है तो आप डिटेल में बताइए पेपर वन को आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया क्या आपके रिसोर्सेज़ रहे थे और क्या आपकी रूटीन रही है और कौन कौन सी बेसिकली uh, प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों को आपको फ़ेस करनी पड़ी इसके बारे में ओके okay, पेपर वन में लाइक like, मैं क्लासेस लेती थी अनकेडमी की तो क्लासेस के साथ ही मैं अपने नोट्स रनिंग नोट्स में बनाती थी और उनको ही मैं रिवाइज़ करती थी मल्टीपल टाइम में रिवाइज करती थी लाइक like, मेरा टारगेट होता था कि अगर एक वीक में मैं कोई यूनिट फिनिश कर रही हूँ तो नेक्स्ट जो वीक मेरा होगा मैं उसको रिवाइज करूँ लाइक उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊँ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाऊँ और उसको मतलब रिवीजन पे रखूं मैं लाइक like अगर मैं कोई और यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ फिर भी साथ में मेरा रिवीजन भी मेरा जो है चलता था लाइक like, uh, मैंने आई डोंट थिंक कि मैंने ट्वेंटी uh, डेज से ज़्यादा किसी भी यूनिट को विदाउट रिवीजन मैंने छोड़ा है ओके okay. हाँ तो रिवीजन इज द की मतलब काफी रिवीजन uh, किया और ये भी एक रीज़न है कि काफ़ी बार हम चीज़ों को भूल जाते हैं <laughs> तो एक यहाँ पर आपने पॉइंट हाईलाइट किया था मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना नोट्स बनाने को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कुछ तो बिल्कुल ही नहीं बनाते हैं कुछ पूरी किताब लिख देते ये हैं, ये हैं और मतलब बहुत रेयर स्टूडेंट होते हैं जिनको पता है कि नोट्स बनाने कैसे हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है मतलब ऑल इंडिया रैंक वन लाने के लिए जो नोट्स प्रिपेयर किए थे वो किस तरीके से किए और वो मतलब थोड़ा सा आइडिया दीजिए स्टूडेंट्स को लाइक like मेरे साथ भी प्रॉब्लम है और आई थिंक बॉयज के साथ तो नहीं बट गर्ल्स के साथ होगा कि उनको बट बहुत ही ब्यूटीफुली उनको लिखना होता है तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है तो मैंने क्या किया कि मैंने रफ जो ब्लैक पेजेस वाली नोटबुक होती है मैंने पर्टिकुलरली वो ली और मैंने उस पर अपने रनिंग नोट्स बनाए तो उस पर आपकी हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती बट आपको सिर्फ रिविज़न करना है तो डैट्स गुड मतलब वाइट पेजेस पे हाँ होता है कि आपको सुंदर सुंदर लिखना है okay. तो आई प्रेफर ब्लैक पेजेस उठाओ और उस पर जैसा लिखना है लिखो जहाँ पे एडिटिंग करना है करो बट नोट्स uh, बनाओ इन शॉर्ट बनाओ ज़्यादा डिटेल के लिए तो पी है बुक्स है आप उसके लिए जा सकते हो बट नोट्स भी आप इतना डिटेल में बनाओगे तो फिर मतलब फिर बुक ही पढ़ लो अच्छा मतलब स्टूडेंट्स uh, को मतलब ज्यादा सजाना नहीं चाहिए नोट हाँ। को नोट्स को नोट्स की तरह लेना चाहिए कि हमें सिर्फ इनको पढ़ना है yes, yes, इनको पब्लिश yes. नहीं करवाना है yes. uh, इसी के साथ मैं एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा आपने बोला कि आपने कोई मतलब 20 डेज कभी छोड़ा नहीं है कि आप किसी भी यूनिट, यूनिट की रिविजन मतलब रिविजन को लेकर तो एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन रहता है पेपर से पहले बच्चे बोलते हैं कि हम सब कुछ ही भूल गए हैं जिसका रीजन तो यही है कि हम रिवाइज नहीं करते हैं रिविजन नहीं होती है तो आपकी रिविजन स्ट्रेटेजी कैसी रही थी कि आपको सब कुछ याद था जब आप पेपर ने के लिए गए थे रिविजन uh, मतलब मेरा अलग था जब मैं आ, अपना स्टार्टिंग में कोई यूनिट उठा रही हूँ लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम उसके लिए स्ट्रेटजी मेरी कोई और थी आफ्टर थ्री मंथ उसके लिए और थी और बिफोर द एग्ज़ाम अलग थी मतलब एक स्ट्रेटजी के बेसिस पे आप एग्ज़ाम टाइम तक नहीं चल सकते लाइक like अभी आपके पास सिक्स मंथ है तो आप आराम से अपना नोट्स बनाइए अपना कंटेंट जो है वो कलेक्ट करिए एक जगह पर उसको रखिए और उसको जैसे भी आपको टाइम मिलता है अपना रिवाइज कीजिए क्लासेस लीजिए या फिर जो भी आपका सोर्सेज है आप उसको फॉलो कीजिए और आफ्टर मतलब लाइक like, अभी आपके टू मंथ्स हैं एग्ज़ाम्स के तो फिर आप अपना प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन लगाइए उसके बेसिस पे आपका जो भी आपको क्वेश्चंस में से आपको जो कुछ भी नया मिल रहा है तो वो अपने नोट्स में डालिए बट बिफोर एग्ज़ाम तो आपके पास जो भी अपने नोट्स हैं आप उसके साथ ही रिवीजन करिए ओके हाँ जी तो आपने एक यहाँ पे पॉइंट बोला कि 2019 का जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उसमें आपने सिर्फ पी वाई क्यू किए थे yes. और पी वाई क्यू हैं भी काफ़ी सारे हमारे पास एन टी एनेट के तो पी वाई क्यू की इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ठीक है मैं बीइंग अ टीचर में उस चीज़ के बारे में बात नहीं करूंगा <laughs> कि पी वाई क्यू की क्या इंपॉर्टेंस है नहीं तो स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आप तो टीचर हो इस वजह से उस चीज़ के बारे में बता रहे हो क्योंकि आपने उस चीज़ को किया है और डेफिनेटली शायद वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा आपकी इस सक्सेस में तो अब उन पी वाई क्यू की आ, जो आ, मतलब इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताइए पी वाई क्यू मेरे लिए तो लाइक मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था एग्ज़ाम का मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करना था तो मुझे एक लाइक फॉर द आइडिया कि मुझे कुछ पता लगे कि एग्ज़ाम में मतलब पैटर्न क्या है कैसे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें अटेम्प्ट कैसे करते हैं और मतलब कैसे हम आंसर्स मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं तो वो सब आप जब खुद से क्वेश्चंस लगाओगे तभी आपको होगा मतलब कोई आपको बता नहीं सकता कि ऐसे करो क्वेश्चंस ऐसे लगाने हैं मतलब आप खुद बैठोगे अपने क्वेश्चंस लेके तभी आपको आइडिया होगा कि और फिर उसके बाद जो आपको मिलता है मतलब जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस आपका आफ्टर अटैम्प्टिंग द पी वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता लाइक वो ज़्यादा जरूरी है। मतलब आप कह रहे हो कि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो मतलब पीवाई क्यू आपको आप छोड़ नहीं सकते टाइम है ना हाँ, तो एटलीस्ट आप भी लगा के तो उसमें मैंने पीवाई क्यूब के बेसिस पे ही वो क्लियर किया क्योंकि मुझे पता लग गया कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैंने सिर्फ फिर लास्ट में टारगेट किया कि मैं उनको ही दोबारा से गो थ्रू हो रही हूँ ओके okay, तो मतलब पी वाई क्यू की काफ़ी इंपॉर्टेंस है वो आपको यहाँ पर फेस करने को मिले अब एक और पॉइंट आता है कि आ, अभी तो एन ने जो पैटर्न है वो अपना चेंज कर दिया है अगर आज से अगर दो साल पहले देखे तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था अभी जो yes. एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन है जिसकी वजह से हमें उस उस तरीके से ऑनलाइन की प्रैक्टिस की ज़रूरत है तीन घंटे हमें इस एग्ज़ाम में है तो मॉक टेस्ट के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी सिर्फ मैं पेपर वन के बारे में पूछ रहा हूँ ठीक है अभी उसके बाद हम पेपर टू के बारे में कॉमर्स के बारे में बात करेंगे कि मॉक टेस्ट कितने लगाए किस इंटरवल पे लगाए और किस तरीके से उनका एनालिसिस किया वो आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए ओके मोक टेस्ट जैसे अभी लास्ट अटैम्प्ट में तो मैंने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था तो उस पर लाइव टेस्ट आते थे तो सबकी अपनी एक वीकनेस होती है तो मेरी एक वीकनेस थी कि मैं लाइक like, अगर मुझे दिख रहा है कि मेरी रैंक वहाँ पर है वहाँ पे लाइव uh, रैंक शो होती है जी जी तो मुझे थोड़ा सा ये होता है कि मैं मतलब इतना पीछे स्टैंड कर रही हूँ तो आई डोंट वॉन्ट टू टू एनालाइज माई सेल्फ मुझे लाइव टेस्ट देने में बहुत डर लगता था ओके okay. तो मैं उनको आफ्टर uh, मतलब uh, मैं ऑफलाइन उनको अटैम्प्ट करती थी मतलब लाइव टेस्ट हो चुका है मैं देन उसको अटैम्प्ट करती थी और अपने बेसिस पे लाइक like, वो तो है ना कि लाइक like, uh, मैं साइलेंट लर्नर ही थी अन अकेडमी की भी मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी तो मतलब अपना अटैम्प्ट uh, कर रही हूँ तो उससे अपना जो भी मेरे पॉइंट्स निकल रहे हैं मैं उनको दोबारा रिवाइज कर रही हूँ तो मैंने ऐसे अटैम्प्ट किया था

तो मॉक टेस्ट आपने बताया कि स्टार्टिंग में अगर हम ना दें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेटेड फील हो जाते हैं मार्क्स कम आते हैं अब दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं एक वो वाले जो मॉक्स को सिर्फ लगाते हैं और देखते हैं कि कितने मार्क्स आए हैं और दूसरी वो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जो मॉक्स को लगाते हैं फिर उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं मुझे पता है कि आप सेकेंड कैटेगरी से बिलोंग करते हो जिन्होंने एनालिसिस किया बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताइए कि मॉक्स को दे तो सब स्टूडेंट्स रहे हैं बट उनका जो एनालिसिस है वो पार्ट है वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी उन मॉक्स को अनैसिसिस करने का मॉक लाइक जैसे मैंने एक दिन अटैप्ट कर दिया एग्जाम तो मार्क्स मुझे कम आए ज़्यादा आए आई डोंट केयर या तो मैं उसी दिन इवनिंग तक मैं एनालिसिस कर लेती थी या फिर मेरा नेक्स्ट डे का होता था कई बार होता था कि मार्क्स कम आए तो बुरा लगता था मुझे भी लगता था सबको लगता है तो मैं उसको नेक्स्ट डे शिफ्ट कर देती थी कि मुझे नेक्स्ट डे उसका एनालिस करना है बट अगर आप एनालिस कर रहे हो तो मतलब कि आप वहीं पर हो आप कुछ सीख नहीं रहे मतलब जो आपने पढ़ा है उस पर बेसिस पे आपने अटैम्प्ट कर लिया बट आप सीखोगे तभी जब आप उनके आप रिव्यू करेंगे कि आपने मिस्टेक कहाँ पे करी है तो वो इम्पोर्टेंट है तो देखिए ये पॉइंट उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया है कि मॉक टेस्ट है उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस इस वजह से भी है क्योंकि आपको वो एक uh, टाइम कॉन्शियस बताते हैं कि आपको पता चलता है कि इतने टाइम में हमें इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं बट जो दूसरा एस्पेक्ट है ना मॉक्स का स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं कि वो मॉक्स को लगा तो रहे हैं बट उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं सो बी श्योर कि जब आप कोई भी मॉक लगा रहे हो चाहे आप दस क्वेश्चन का लगा रहे हो चाहे आप पचास क्वेश्चन का मॉक लगा रहे हो उसका एनालिसिस करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तो हम बात कर रहे थे पेपर वन की कुछ यू नो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स हैं जो हमारे सिलेबस में पीपल एंड डेवलपमेंट है हायर एजुकेशन है डेटा इंटरप्रिटेशन है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है और डेफिनेटली आपको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है वो आई होगी तो उन यूनिट्स को पर्टिकुलरली किस तरीके से आपने डील किया लाइक पेपर वन में टेन यूनिट्स हैं और टेन की पे आप एक स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं कर सकते तो सबके लिए डिफरेंट है अगर आप पीपल एंड इन्वायरमेंट की बात करो तो क्योंकि वो मेरे लिए एक फियर था कि वो पूरा स्टैटिक uh, टाइप है और कभी मैंने स्कूल टाइप में भी मैंने एसएसटी सब्जेक्ट को इग्नोर ही किया है कभी इतना अच्छे से नहीं पढ़ा तो मैं बस अपने नोट्स बनाती थी और उसको रिवाइज करती थी बस तो प, uh, मत, और डीआई के लिए अगर मैं कहूँ तो डीआई मेरी कभी पेपर में कंप्लीट नहीं हो पाती थी मतलब क्वेश्चन कॉमर्स में थोड़े से अलग टाइप के ही आते थे तो मैं प्रैक्टिस मैंने किया उसका और तो आप थ्योरी की अगर बात कर रहे हो तो इस मस्ट। okay, मतलब आपको लगता है कि अगर हम रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो वो वीक यूनिट्स है वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं वो बन जाती हैं तो ये तो हमने थोड़ा डिस्कशन किया पेपर वन से रिलेटेड जो कि सभी के लिए कॉमन है अब जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है पेपर टू okay. क्योंकि पेपर टू यू you नो know, एक तो आप प्लस वन से लेके एम कॉम तक जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो सब कुछ आपसे पूछ लेते हैं बहुत ज़्यादा सिलेबस है अगर हम पेपर वन के साथ कंपेयर करें तो पेपर टू की स्ट्रैटेजी क्या रही है उसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए पेपर टू का सेम लाइक मैं सारी यूनिट्स के अपना जो भी मेरे पास मटेरियल था उसको कंबाइन करती थी नोट्स बनाती थी रिवाइज करती थी और हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद मैं उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी प्रैक्टिस क्वेश्चन देन जो हमारे प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करती थी देन उनका एनालिसिस और एनालाइज करने के बाद कि अपनी मिस्टेक्स शॉर्ट लिस्ट करना कि मैंने अगर ये वाली यूनिट मैंने अभी कम्प्लीट करी है तो मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ठीक है ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी पढ़ा है तो उसमें से तो अभी मेरे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए कई बार होता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन जो हम से पी वाई में पूछा जाता है हम वो भी गलत कर देते हैं वो थोड़ा सा इग्नोरेंट हो जाते हैं हम कई बार अटैम्प्ट करते टाइम तो वो इग्नोरेंस जो है वो हमें रिमूव करनी है और जो भी हम मिस्टेक्स कर रहे हैं ट्राई करना है कि हम मिस्टेक्स चलो हम कर रहे हैं सब करते हैं तो बट उसको रिपीट नहीं करना मतलब सेम मिस्टेक हम एक बार कर चुके हैं तो उसे रिपीट नहीं करना है ओके okay, तो मतलब सेकंड पेपर के लिए ये कुछ कुछ स्पेशल टिप्स हों सेकंड पेपर के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पोर्शन है और ये भी है कि क्या सारे का सारा सिलेबस कवर करना जरूरी है आपको क्या लगता है कि मतलब अगर हमें ऑल इंडिया रैंक वन है क्योंकि हम चाहते हर बच्चा चाहता है कि उसका ऑल इंडिया रैंक वन आये तो वो ऑल इंडिया रैंकर वन से ये बात पूछना चाहता है कि क्या मुझे पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा उसके बाद ही मेरा ऑल इंडिया रैंक वन आएगा या मैं कुछ चीजों को छोड़ भी सकता हूँ कि आप कितना कर सकते हो ट्राई करो कि आप कवर कर रहे हो अगर नहीं भी करना चाहते कि मेक श्योर sure कि आप जितना कर रहे हो उसमें आप अपना हंड्रेड दे रहे हो लाइक like, अगर मैं मेरा कहूँ तो मेरा रैंक वन है बट फिर भी मेरा पेपर जो है कंप्लीट नहीं हुआ था ओके okay. तो मेरा ये था कि जितना भी मेरा अटेम्प्ट हो रहा है कि उसमें मेरा कोई क्वेश्चन गलत ना हो कि मतलब कॉन्सेप्ट अपने इतने स्ट्रोंग करो कि आपने अंदर से वो कॉन्फिडेंस आए कि आप जो अटैम्प्ट करोगे उसमें से आपका गलत नहीं होगा कि आपने टॉपिक सारे कवर करें डजेंट मैटर बट जो कर रहे हो उसे हंड्रेड करो ओके okay, तो मतलब जरूरी नहीं है कि हम सारा सिलेबस करें येस अगर येस। हम 80 परसेंट भी कर रहे हैं तो उसको हम 100 परसेंट बना के कर सकते हैं कि उसमें से कोई मार्क्स है वो हमारा बाहर ना जाए और उसको हम अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो कॉमर्स के बारे में तो आपने बताया कि मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं इस चीज़ को एनालिसिस करूं तो पेपर वन और पेपर टू की स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट आपकी सेम ही रही है पेपर टू में ना कुछ पोर्शन हमारा प्रैक्टिकल रहता है और उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन बच्चों को रहती है जबकि उसकी वेटेज बहुत कम है बच्चे बट फिर भी वो नाइनटीन क्वेश्चन को या नाइन्टी क्वेश्चन को छोड़ के उन पाँच क्वेश्चन को वो बहुत सोचते हैं कि ये प्रैक्टिकल पोर्शन हमें कवर करना है तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी वो जो प्रैक्टिकल पोर्शन रहता है ना जैसे इनकम टैक्स से कुछ पूछा जाता है या अकाउंट से कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं तो क्या आपने प्रैक्टिकल को कवर किया था या आपने उसको छोड़ा था या किस तरीके से आपने उस चीज के बारे में सोचा था प्रैक्टिकल पोर्शन लाइक आपको टारगेट करना पड़ेगा कि आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है लाइक प्रैक्टिकल ओवर एग्जाम इज नॉट अबाउट प्रैक्टिकल लाइक आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए और प्लस प्रैक्टिकल आई थिंक फाइव टू सिक्स क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स हमारे आते हैं तो मैंने वो स्टार्टिंग में मैंने उनको कोई वेटेज नहीं दिया बट हाँ एग्ज़ाम से पहले मैंने उनको थोड़ा सा देखा गो थ्रू हुई मैं और मैंने फॉर्मूलाज क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट फॉमूला बेस्ड होते हैं अगर आपको फॉमूला पता है तो आप जस्ट अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा तो इतना प्रैक्टिकल तो आपको आई डोंट थिंक कि इतनी उसको इम्पोर्टेंट तो डिफिनेटली उसको टाइम देने की जरूरत है मतलब पढ़, जरूरत पढ़ना जरूरी है बट हाँ। अगर हम ये सोचें कि पूरे एग्जाम को ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से सोचना शुरू कर दें तो वो गलत हो जाएगा वो वो, गल, वो गलत है हम लाइक फाइव परसेंट चीज के लिए हम फाइव को क्यों हम इग्नोर कर रहे हैं हाँ। बिल्कुल तो ये भी अच्छा पॉइंट है क्योंकि स्टूडेंट्स एक्चुअली वो प्रैक्टिकल पोर्शन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं तो पेपर टू में कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स में अगर आपको लगे कि आपको कोई दिक्कत आई है या क्योंकि हर मतलब हम हर यूनिट में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते डेफिनेटली कुछ आपकी स्ट्रॉग यूनिट्स रही होंगी कुछ आपकी वीक यूनिट्स रही होंगी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स के लिए तो कोई स्ट्रैटेजी होती नहीं है डेफ़िनेटली क्योंकि वो तो हमें पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है तो हम खुद बहुत सारा टाइम उसको देते हैं वीक यूनिट्स के लिए क्या की और कौन सी आपको लगता है कि आपकी वीक यूनिट्स थी पेपर टू में इट्स मुश्किल होगा वीक यूनिट्स को क्योंकि मैंने आ, तीन अटैम्प्ट मैंने कंटिन्यू दिए हैं तो मैंने जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने कुछ यूनिट स्किप की थी लाइक मैंने स्टैटिक्स को थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा है उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा तो मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था कि इसमें एग्ज़ाम में मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है या नहीं तो मतलब उस टाइम पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया बट धीरे धीरे जैसे मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट जा रही हूँ और उसे नेक्स्ट पर जा रही हूँ तो मैंने ऑलमोस्ट सब यूनिट्स कवर कर ली थी

कि इनके जो पहले अटैम्प्ट हुए हैं ना मतलब फ़र्स्ट और सेकेंड अटैम्प फर्स्ट अटैम्प्ट में भी नेट हुआ सेकेंड अटैम्प्ट में है वो जी आर एफ वो सिक्स मार्क्स से रह गया बट एक चीज़ जो कॉन्टिन्यूसली है वो है मतलब अपनी गलतियों से सीखना मतलब इन्होंने हर अटैम्प्ट में अपनी मिस्टेक्स को ये इस चीज़ को भी एडमिट कर रही हैं कि हाँ मेरे पॉइंट से गलतियाँ हुई हैं सभी से होती हैं बट उन गलतियों को रिपीट नहीं करना हमें उन गलतियों से सीखना है ताकि जब हम नेक्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं तो वो गलतियाँ हैं वो दोबारा एग्जाम में ना हों यहाँ पर ना एक बहुत फनी सा क्वेश्चन है या मैं इसको थोड़ा सा एक एक जनरलाइज वे में पूछना चाहता हूँ स्टूडेंट जब हमसे भी कई बार पूछने के लिए आते हैं ना कि सर हम नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो ना एक बहुत फ़नी सा क्वेश्चन पूछते हैं वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन ये होता है कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए मतलब आप आप बताइए इस चीज़ को कि हमें मतलब कितने घंटे पढ़ना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मतलब घंटे तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप जैसे कई होता है कि बुक लेके बैठे हैं दस दस घंटे बट आप प्रोडक्टिव नहीं हो उसमें इट्स ऑल अबाउट योर प्रोडक्टिविटी अगर आप दो घंटे भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ रहे हो सब कुछ आप क्लियर कर रहे हो तो वो इनफ है ऐसा नहीं है कि आप आठ घंटे बारह घंटे सोलह घंटे ऐसा कोई नहीं होता सब हम इंसान हैं मशीन कोई नहीं है सोलह सोलह घंटे बारह बारह घंटे कोई नहीं पढ़ सकता ठीक है आप एक दिन पढ़ रहे हो दो दिन पढ़ रहे हो बट थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे तक आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे तो आपको नॉर्मल रूटीन लेके चलना चाहिए कि सेवन टू एट आर अपना मेंटेन करिए अगर किसी दिन नहीं होता कम हो रहा है तो भी इतना कोई बिग इशू नहीं है मतलब कोई कनेक्शन नहीं है अगर हम बोले कि आज और मतलब मतलब आपका जो मेजर पॉइंट है वो यही है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी है वो हाँ, ज्यादा मैटर करती है फिर चाहे आप वही है कि अगर दस घंटे पढ़ भी रहे हो और उसमें से प्रोडक्टिव सिर्फ दो ही है तो इससे अच्छा है कि हम सिर्फ वही दो घंटे पढ़ें और अपनी प्रोडक्टिविटी को हंड्रेड रखें अच्छा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सुबह जल्दी उठने वाले और रात को देर तक मतलब पढ़ाई करने वाले पहले तो ये बताइए कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है कि अगर मैं मतलब अगर दो स्टूडेंट्स हैं और एक है जो देर रात तक पढ़ाई करता है और दूसरा है जो सुबह तीन चार बजे उठ के पढ़ाई करता है तो मतलब आपको क्या लगता है कि प्रोडक्टिविटी में कुछ गैप होता है या आप इसमें से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो लेट नाइट स्टडी करने वाले या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई like, करने वाले प्रोडक्टिविटी uh, में गैप होता है बट मैं अपने जोन में ही पढ़ती थी लाइक like मैं जैसे अगर एग्ज़ाम अभी बहुत दूर है तो मैं अपना पढ़ रही हूँ नाइट तक पढ़ रही हूँ सुबह ऐसा कोई नहीं आराम से उठ रही हूँ मेरा रूटीन है जो भी बट जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है तो यू हैव टू गेट अप अर्ली लाइक जो मॉर्निंग में आपकी प्रोडक्टिविटी होती है वो रात तक नहीं हो पाती तो इट्स बेटर कि अगर आप जल्दी उठ सकते हैं तो वो आपका ही प्लस पॉइंट होगा बट ऐसा नहीं है कि मतलब सबका अलग होता है तो एवरी वन कैन गो विद दो तीन बारोच रही है ना वो कभी भी rigid नहीं रही है आप सिक्स मंथ से पढ़ाई कर रहे हो अभी एग्जाम में सिक्स मंथ है तो आपकी अप्रोच कुछ उस तरीके की होनी चाहिए तीन मंथ रह गए हैं तो उसकी अप्रोच कुछ अलग होगी और अगर लास्ट एक मंथ रह गया है, तो उसकी अप्रोच है वो कुछ अलग होने वाली है तो बी श्योर की आप फिक्स मत रखिए अपने आप को एक एक बाउंडेशन में मत लेके आइए कि मुझे इतना ही करना है या इसी तरीके से पढ़ना है आप अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी अब बात करते हैं आप लगातार सपोज करो सिक्स मंथ के बाद आपका एग्जाम है तो आप फाइव okay. मंथ तक आपने पढ़ाई की वो जो लास्ट का एक मंथ है मतलब वो जो थर्टी डेज होते हैं मतलब वो mm. एक, एक वो हॉरर ड्रीम्स की तरह होते हैं हर स्टूडेंट्स के लिए जैसे जैसे एक एक दिन कम होता जाता है तो मतलब वो जो टेंशन है वो जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है सिलेबस ख़त्म करना है मॉक्स लगाने हैं पी वाई क्यू लगाने हैं और एग्जाम से पहले नींद बहुत आती है हमें लगता है कि अब सो जाते हैं तो वो एक महीना कैसा था आपका और आपकी क्या रूटीन थी या मतलब उस टाइम पे हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इस आ, यू नो इस प्लेटफॉर्म की आ, से आपको देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस उलझन में फंसे हुए होंगे कि लास्ट एक मंथ में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए लाइक like जैसे अगर मैं मेरी रूटीन की बात करूँ तो लास्ट एक मंथ में जैसे एग्जाम के ट्वेंटी डेज जब रह गए थे तो मैंने कोई पी वाई क्यू अटेम्प्ट नहीं किया उससे पहले मैं जितनी प्रैक्टिस कर सकती थी मैंने दो महीना पहले किया और ट्वेंटी डेज से बाद जो मेरे पास नोट्स हैं मतलब बुक्स नहीं मैंने उठाई जो मैंने हैंड रिटर मेरे नोट्स बनाए सिर्फ मैंने उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया लाइक ट्वेंटी डेज अगर मेरे पास हैं तो मैंने ट्वेल्व डेज़ में सब कम्प्लीट किया रिविज़न और फिर मैंने वन uh, वीक में फिर उसको रिवाइज़ किया एंड देन लास्ट वन डे उसमें कम्प्लीट जो भी मुझे लगा कि मेरा रह गया है मुझे दोबारा से उसको देखना चाहिए तो दैट्स इट मतलब तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया उस चीज़ का कि बहुत मतलब मतलब प्रेशर लो आप बट जब आप अपने नोट्स बना रहे हो आप तब सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो एग्जाम टाइम में आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं बट आपको सब वो वाइंड अप करना होगा कि जो आपने पढ़ा है आपने वो आप रिवाइज करके जाओ तो मतलब उसमें सच कोई प्रॉब्लम नहीं रही आपके लिए मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है तो मतलब एक यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं तो आप मैं चाहता हूँ इस चीज के बारे में स्टूडेंट्स को बताइए कि लास्ट मोमेंट तक भी यहाँ से भी पढ़ लू मैं ये भी लेके मतलब हो सकता है शायद फर्स्ट में आपकी ये गलती हो तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि कब तक हमें पढ़ते ही रहना चाहिए या फिर मतलब कुछ चेंज करना चाहिए लाइक like फर्स्ट मेरे साथ भी था मेरा सेंटर डेली आया था ओके तो मैं गाड़ी में भी पढ़ते हुए जा रही हूँ तो मेरा ये हाल था तो जो नहीं होना चाहिए बट जैसे अभी जो जो मेरा लास्ट अटैम्प्ट था तो उसमें आ, मतलब दो दिन पहले एग्जाम के मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था मतलब दो दो दिन पहले मेरे आ, प्रैक्टिकल्स थे ओके okay. कॉलेज के प्रैक्टिकल्स थे तो मैं मैंने ऐसा ही शेड्यूल बना लिया था कि मतलब कि मुझे उससे पहले ही ख़त्म करना है और उसके बाद मैं टच भी नहीं कर पाई थी जस्ट मैं फिर आ, 15 एंड 16 को मेरी प्रैक्टिकल थी

और आप जे आर एफ को स्किप कर देते तो शायद फिर आपका वो ऑल इंडिया रैंक वन नहीं आता अब हमने हर चीज़ के बारे में बात कर लिया डिस्कशन हो गया रिवीज़न के बारे में भी बात हो चुकी है मॉक्स के बारे में बात हो चुकी है अब एक चीज़ जो एक यू नो इग्नोर की जाती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के बारे में कि हम सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करने से ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है क्योंकि आपको भी पता है कि 12 से 15 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्ज़ाम को देते हैं उसमें से सिक्स परसेंट है जिनका नेट होता है और सिर्फ वन परसेंट स्टूडेंट्स हैं जिनका जे होता है तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं उन एक परसेंट स्टूडेंट्स के अंदर जो शायद बाकी वो नाइन्टी नाइन परसेंट के अंदर नहीं होती जबकि पढ़ाई वो भी करते हैं नो no डाउट वो भी मेहनत करते हैं वो भी एफर्ट्स लगाते हैं तो वो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपके अंदर थी या आपके अंदर हैं उस एग्ज़ाम की प्रप्रेशन को लेके जिसके बेस पे आपने उन सब लोगों से बेहतर किया ओके okay, uh, जैसे मैंने तो ऐसा आई डोंट थिंक कि मैं कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी मतलब मैं अपना बस अपने स्ट्रिक्ट थी मैं अपने रूटीन पे अगर जो मैंने कुछ बना दिया कि लाइक नेक्स्ट डे मुझे ये अटैम्प्ट करना है पढ़ना है तो वह मैं पढ़ती बट बहुत बार ये होता था कि मुझसे सबसे होता है कि रूटीन मतलब आपकी फ्लेक्सीबल हो तो इट्स बेटर क्योंकि हमें और भी डाइवर्जन हो जाते हैं जी तो जी। फिर आप नेक्स्ट डे शिफ्ट करिए बट मेक श्योर कि जो आप टारगेट कर रहे हो उसको आप टाइम पे कंप्लीट कीजिए और जो कहते हैं कि कॉन्टीन्यूटी रखनी चाहिए आपको स्टडी में लाइक आप एक दिन नहीं पढ़ पा रहे हो आप बहुत बिजी हो मेक श्योर sure कि आप आधा घंटा एक घंटा आप निकाल रहे हो या अपना कुछ भी रिवाइज कर रहे हो तो मतलब ज़्यादा टाइम तक बुक्स को अकेला नहीं छोड़ना है नहीं तो वो एग्ज़ाम में आपको अकेला छोड़ देगी ये सही था। मतलब बहुत सिंपल सा रूल है कि जस्ट मेक अ रूटीन एंड स्टिक टू इट बस यही काफ़ी हो जाता है क्योंकि इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही आती है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं स्टूडेंट एक दिन पढ़ते हैं दस घंटे दूसरे दिन हाँ। दस घंटे और उसके बाद तीन चार दिन का एक बहुत बड़ा जो मेजर गैप है वो आ जाता है अच्छा पाँच छः घंटे पढ़िए बट रोज पढ़िए मतलब एक आपका पॉइंट यही है कि हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ज्यादा पढ़ रहे हो कम पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता एक तो प्रोडक्टिव रहिए और डेफिनेटली लगातार है वो अपनी पढ़ाई है वो करते रहिए तो आपने एग्जाम के बारे में सब कुछ बता दिया कि एक दिन से पहले मतलब बीस दिन की स्ट्रैटेजी थर्टी डेज की स्ट्रैटेजी फाइनली आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हो आप एग्जाम हॉल में चले गए हो एग्जाम शुरू हो गया है तो उस टाइम का जो प्रेशर होता है ना वो हर बच्चा फील करता है लाइक जब हमने कोई एग्ज़ाम दिया तो हमने भी शायद उस चीज़ को फील किया था जब खुद का जे क्लियर किया था तो वो प्रेशर भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है बहुत सारे लोगों को का एग्ज़ाम क्लियर होने में या ना होने में क्योंकि वो एक जो प्रेशर होता है वो जो अप्स एंड डाउनस होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि वह आपके पास तीन घंटे ही होते हैं उस चीज को परफॉर्म करने के लिए तो उस टाइम के दौरान आपने अपने आप को स्टेबल कैसे रखा वो जो तीन घंटे होते हैं क्योंकि होता गया कि क्वेश्चन आया वो आसान है तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंट हमें लगता है हम थोड़ा खुश हो जाते हैं कि यार ये तो आता है दो तीन क्वेश्चन मतलब कई बार तो दस क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं आते और वो इतना आपका है वो डाउन कर देते हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चंस भी आप कहीं ना कहीं खराब कर देते हो तो मतलब अल्टीमेटली मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही ताकि हमारे व्यूअर्स हैं जो स्टूडेंट अभी आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी उस एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल कर सकें आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैंने जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट किया तो वही ईजी क्वेश्चन आता है तो हम खुश होते हैं तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है तो भी मोटिवेशन डाउन होता है बट ऐसा नहीं करना है कि लाइक मैंने मेरा एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था थ्री फेजेस के अंदर कि लाइक अगर कोई स्टैटिक क्वेश्चन कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्लिक हो रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए तो देन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन पढ़ गया कि आपको ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में बट आपको आता है तो उसका भी आप सेकेंड uh, गो में आप उसको दे सकते हो और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं पता कहाँ से आया है तो ऐसा भी होता है एग्ज़ाम्स के अंदर क्योंकि आपको हंड्रेड परसेंट तो आप कवर कर ही नहीं सकते आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आप ट्राई करिए कि आप बिल्कुल लास्ट में उसे अटैम्प्ट कर रहे हैं तो मैंने ऐसे ही अटैम्प्ट किया था और मैंने आ, जैसे आ, मैं भी जैसे कंटिन्यू कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हाँ ये भी मुझे आता है ये भी मुझे आता है तो मतलब ट्राई टू लाइक मैं थी कि नहीं थोड़ा सा जमीन पैर पैर जमीन पे ही रखने हैं तो वो था आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको ज्यादा हैप्पी भी नहीं होना है ज्यादा आपको मोरल डाउन भी नहीं करना है क्योंकि वो फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे को पे करना पड़ेगा तो मतलब कहीं कही ना कहीं वो जो तीन घंटे का जो टाइम है उसमें हमें अपने आप को एक तरीके से न्यूट्रल रखना है ना तो ज़्यादा खुशी होना है और ना ही अगर नहीं आता तो सैड होना है कि ये मेरे को बिल्कुल नहीं आता देखिए ये जो जर्नी है वो काफ़ी ज्यादा लंबी हो जाती है इट्स लाइक कोविड की वजह से तो और भी ज्यादा एग्जाम है वो डिले होते रहे हैं तो उस टाइम पे कई बार हमारा ना दिल करता है कि बस अब बहुत हो गया मतलब आप पढ़ पढ़ के ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ना चाहते हो बट आप एकदम से एग्जॉस्ट हो जाते हो आपको लगता है कि अब बहुत हो गया उस टाइम पे फिर क्या क्या करते थे या मतलब आपको क्या लगता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए या उस तरीके से बताइए कि अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए कि आपको भाई बहुत ज़्यादा मुझे अब टेंशन आ रही है मैम प्रोडक्टिविटी एकदम से क्या होता है कि जीरो पे आ जाती है तो दोबारा से वो सारी एनर्जी को रीगेन करने के लिए क्या करते हो आप उसके लिए बेस्ट है ब्रेक लीजिए ऐसा नहीं कि ब्रेक के नाम पे आप एक एक हफ्ता बुक से दूर हो गए शॉर्ट ब्रेक लीजिए एक एक दो दिन तो नहीं मैं बोलूँगी आप हाफ डे लीजिए या फिर ओके okay, ठीक है वन डे ब्रेक आप ले सकते हो उसमें आप अपना जिस चीज़ में आप रिलैक्स हो सकते हैं वो कीजिए आपको सॉन्ग्स पसंद है आप म्यूजिक सुनिए आपको वॉकिंग करना है आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं मूवीज आपको अगर रिफ्रेश करती हैं तो आप वो भी आ, कर सकते हैं लाइक माय वॉज कि मैं अगर ज्यादा ही मुझे आ, हो रहा है कि मुझे अब नहीं मैं हो गया मेरा बैटरी डाउन <laughs> <laughs> तो मैं सॉन्ग सुन लेती थी और वॉक वॉज ऑल्सो

कट करके पीसेस में मेरे सामने वाली वॉल पे वो स्टिक कर लिया था okay, okay. कि जब भी मैं उठ रही हूँ तो मुझे वो सामने दिख रहा है मैं सो रही हूँ तो वो भी मुझे वो सामने दिख रहा है okay, कि मतलब टारगेट वाज ऑन माय मतलब आंखों के yes, सामने yes, था yes, वो yes, हमेशा तो वो कहीं ना कहीं वो भी एक यू you नो know, हाँ, एक जिसको पॉजिटिव अफर्मेशन है वो एक पॉजिटिव वाइब्स है वो आपको देती है तो ये तो ठीक है कि आप अपने आप को लाइक आप अपने आप को एकदम टेंशन फ्री करने के लिए या वो दोबारा प्रोडक्टिविटी रीगेन करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं बट जिस तरीके से अगर आप देखते हो ना प्रप्रेशन की जर्नी है वो इतनी ज़्यादा लंबी है कि उसमें डिस्ट्रैक्शन भर भर के हैं मतलब इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है, है हमारी लाइफ में और स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की लाइफ में और जब एग्जाम के लिए किसी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उस डिस्ट्रेक्शन की वजह से आपको पे करना पड़ सकता है कि आपका वो एग्जाम क्लियर नहीं होता डेफिनेटली आपको भी बहुत सारी डिस्ट्रेक्शन का सामना करना पड़ा होगा कि वो सभी के लिए कॉमन होती हैं तो उनसे बचने के लिए या किस तरीके से उनको इग्नोर कर सकते हैं या किस तरीके से उनको अवॉइड कर सकते हैं उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी लाइक like, डिस्ट्रेक्शन तो सबकी लाइफ में होते हैं तो आपको प्री प्लान उसके लिए करना पड़ेगा अगर आपको पता है कि आगे जाके ये प्रॉब्लम आएगी आप उसके लिए पहले प्रिपरेशन कर लीजिए लाइक like, मुझे पहले ही पता था कि जैसे अभी कोविड चल रहा है एग्ज़ाम्स टाइम आएगा तो जे के साथ ही मेरा कॉलेज वाले एग्ज़ाम्स भी आएंगे तो मैंने उसके लिए मैं पहले ही रेडी थी कि हाँ एक टाइम पे दोनों हो सकते हैं तो मुझे उससे पहले ही अपना प्रिपरेशन उस तरह से रखना है और मेरी प्रायोरिटी थी कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा कॉलेज वाला एग्ज़ाम आ गया तो मैं जे आर एफ अरे मैं कॉलेज वाला दूँ या जे आर एफ वाला दूँ प्रायोरिटी अब हमेशा अपनी पहले ही फिक्स करिए कि मेरा जे आर प्रायोरिटी थी तो मुझे मैंने मतलब सेकंड थॉट नहीं था मैंने कि एक बार भी मेरे माइंड में नहीं आया कि मुझे कॉलेज वाला एग्जाम देना नहीं देना मुझे प्रायोरिटी जे की कॉलेज वाला एग्जाम तो मैं नेक्स्ट ईयर दे सकती हूँ और मैंने अभी लास्ट मंथ जो है वो जो मेरा एग्जाम रह गया था वो अटैम्प्ट किया है हो गई okay. मिल गई डिग्री बट जे तो अगर मैं वेट करती तो आई डोंट थिंक नेक्स्ट अटैम्प्ट में क्योंकि वो मोरऑल इतना डाउन हो जाता है हम प्रिपरेशन करते करते कि आप अगर लगता है आप कॉन्फिडेंट हो कि आप करोगे तो डेफिनेटली यू गॉट द रिज़ल्ट Okay, तो कहीं ना कहीं वही स्टिक रहना पड़ेगा क्वारिटीज फिक्स करनी पड़ेगी तभी आप इन सारी से हैं वो कहीं ना कहीं आउट हो सकते हो सो so, चलिए बहुत सारी सीरियस बातें हो चुकी हैं बहुत सारी पढ़ाई से रिलेटेड हमने बातें कर चुके हैं अभी हमारा एक सेगमेंट है जिसको हम रैपिड फायर राउंड बोलते हैं जिसमें मैं फटाफट से आपसे okay. कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको फटाफट से उसके मुझे आंसर देने हैं सो रेडी उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the most in interesting thing you have read or seen this year uh, my salary slip You <laughs> interesting <laughs> uh, uh, first salary <laughs> okay that's that's great okay what job would you be absolutely horrible at um horrible at. it's rapid fire lying can say sorry lying to anyone okay I'm, i can't. <laughs> okay. what movie has everyone else seen but you have not? money <laughs> Money not. money is not. actually, it's topiri. what is your dream job and what makes it so amazing? okay. my dream job is uh, delivering what i have already learned. okay. So, it's like teaching. yes, it's like okay. teaching. And I'm doing this kind of thing at okay, present. Good. Is there any app that you hate but use anyhow? WhatsApp. <laughs> okay. <laughs> what are you most looking forward to in the next 10 years? Uh, I wanted to more uh, uh, be skilled, improve my skills. Okay. Yes. And whatever I have, I am delivering that thing like. Okay. Okay, what is something you learned this year? Okay, um, I have learned how to behave in a corporate life. I okay, think. so like, that's great. Yes. If you could learn any language frequently, what would it be? I would like to learn Punjabi. Uh, I found it very sweet. <laughs> okay. What is the one food that you will never give up? Pizza. Pizza. Yes. <laughs> That's perfect. What is something most people do easily but you find very difficult? Like acting up, like a person you are not. Okay, acting like yeah. fake, something fake, like, like that. Uh, you okay. Can say that. <laughs> if you could change one thing about your upbringing, what would it be? I don't think I. was perfectly okay, you are perfect <laughs> yes. okay no my parents are perfect so okay, i that's am good. <laughs> when things break okay do you prefer to fix them or replace them i prefer to fix them तो इस रैपिड फायर राउंड के सभी क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपने दिया है इन सभी आंसर्स के लिए हमारे पास अन अकेडमी की तरफ से आपके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट हैम्पर है जो हम आपको देना चाहते हैं सो हियर इज़ योर गिफ्ट थैंक यू

एंड करंटली शीज वर्किंग विद मी विद द सेम कंपनी सो करिश्मा आप वेट कीजिए हमारी टीम जल्दी ही आपके साथ भी कॉन्टेक्ट करेगी और आप नेक्स्ट शूट में हमारे साथ यहाँ पर बैठे होंगे तो जैसे हम अपने शो के एंड पे पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट हमने हर चीज़ के बारे में डिस्कशन किया है आपकी लाइफ से रिलेटेड आपके स्ट्रगल से रिलेटेड किस तरीके से आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है तो लास्ट में मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लर्नर्स के लिए कुछ मैसेज हैं या कुछ उनको सुजैशन देना चाहोगे तो आप प्लीज़ वो दीजिए ओके आई थिंक मैं सब कुछ कवर कर चुकी हूँ बट uh, एक चीज़ होता है कि uh, सब के माइंड में एग्ज़ाम फ़ियर और कि हमको इतना पढ़ना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं आप बस अपना रूटीन सेट करिए और प्लानिंग में हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं तो इतनी ज़्यादा प्लानिंग भी नहीं करनी उसके एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान दीजिए और वो आपका टाइमली होना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं कि रैंक uh, वन लाना कोई डिफ़िकल्ट टास्क है आप मेहनत करोगे तो आप सीरियसली आप आप नेक्स्ट टाइम इस चेयर पे बैठे एंड फील लाइक वंडरफुल चलिए ठीक है थैंक यू सो मच हमारे शो के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए तो ये थी ज्योति की जर्नी जिसमें उन्होंने हर चीज को डिटेल में डिस्कस किया है जितने भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस इंटरव्यू से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए प्रेपरेशन को जारी रखिए लगातार मेहनत करते रहिए क्योंकि पता नहीं आप ही से कोई स्टूडेंट होगा जो नेक्स्ट यहां पर हमारे साथ इंटरव्यू कर रहा होगा so, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक ध्यान रखिए लेट्स क्रैक इट